उपमंडल केदार चढ़ियार क्षेत्र के कोठी पंचायत के समलेटर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम बैजनाथ छवि नाटा को ज्ञापन सौंपकर उक्त गांव में खुलने वाले शराब के ठेके का विरोध किया है। वहां मौजूद कोठी पंचायत की प्रधान शरबजीत कौर महिला मंडल, प्रधान राजनगर रेखा देवी तथा गांव की महिलाएं निर्मला देवी सत्या देवी ने एसडीएम को शिकायत पत्र भी सौंपा है। उपमंडल केदार चटियार क्षेत्र की कोठी पंचायत के समलेतर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा को ज्ञापन सौंपकर उक्त गांव में खुलने वाले शराब के ठेके का विरोध किया है। वहां मौजूद कोठी पंचायत की प्रधान सरबजीत कौर, संसाई पंचायत के प्रधान विनोद कुमार, बीडीसी सदस्य सुमना देवी समलेतर वार्ड पंच गुरु बच्चनी देवी, महिला मंडल प्रधान राजनगर रेखा देवी तथा गांव की महिलाएं निर्मला देवी सत्या देवी आदि की मौजूदगी में ग्राम पंचायत प्रधान ने एसडीएम को शिकायत पत्र भी सौंपा। विनोद कुमार ठाकुर ने बताया कि समलेतर गांव के वार्ड नंबर 4 में देशराज पुत्र बमरी राम ने गत रात्रि को 8 बजे एक्सरसाइज एवं टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर शराब का ठेका खोलने की कोशिश की, जिसका विरोध जब स्थानीय लोगों ने किया तो देशराज और उसका परिवार सभी गांव वासियों पर लाठियां लेकर टूट पड़े, जिससे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहां तक कि महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस चौकी चढ़ियार को दी। मौके पर पुलिस ने भी बयान और रिपोर्ट दर्ज की। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर अवैध रूप से बेची जाती है शराब, इसके लिए विभाग ने 2 बार छापा भी मारा मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी है कि अगर अब भी वहां पर ठेका खोलने की कोशिश की गई तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जिन लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है उन पर पुलिस कार्रवाई करे। अगर पुलिस ने कार्रवाई न की तो ग्रामीण मजबूर होकर आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। विनोद कुमार मेरे साथ कोठी पंचायत प्रधान भी हैं, सरजीत जी और हमारे बीडीसी मेंबर भी हमारे साथ हैं। बाकी महिलाएं सारी आई हुई हैं क्योंकि कल रात को अवैध रूप से मतलब एक ठेका जो पहले बंद हो रखा था वहाँ पे उसको जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की गई, तो उसका विरोध जब स्थानीय महिलाओं ने किया तो उनके साथ मारपीट की गई। ये हमारे साथ आई हुई हैं औरतें जो हमारे गाँव की हैं, ये इनको मारने की कोशिश की गई डंडों के साथ। जिस परिवार ने वो खोलने की वहाँ पे कार्रवाई की थी उसके साथ कुछ एक्सरसाइज के लोग भी आए हुए थे, तो उसकी सरकारी गाड़ी में आए हुए थे, तो उसके विषय में हमने मैडम एसडीएम से बात की है, उनको ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करने का हमें भरोसा दिया है। और साथ में स्थानीय ये जो महिलाएं आई हुई हैं इन्होंने भी मैडम से बात की है इस विषय में कि इनको जिस तरह से मारा गया है, इनको यहाँ पे चोट लगी हुई है, इनको सर पे चोट लगी हुई है, इनको डंडों के साथ इनकी पिटाई की गई है और इसके लिए इनका मेडिकल भी करवाया गया है। तो एसडीएम हमने एसडीएम साहिबा से बात की है इस बारे में और हमें उम्मीद है कि कानून कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा और इनको न्याय। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।